आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। सिंधु सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौर आयोजन समिति के अध्यक्ष गोपाल दरियानी एवं संचालक सुनील बाधवानी ने बताया कि संस्था सदस्यों के 125 से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण की गई एवं 5 शिक्षकों का सम्मान स्वामी प्रीतम दास सभागृह साधुवानी नगर में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती, भगवान झूलेलाल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर NP हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना एवं वंदे मातरम गाकर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि दीनदयाल कुकरेजा ने कहा कि आज विचित्र संयोग है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण करना एवं राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ शिक्षकों का सम्मान करना। इस अवसर पर श्री कुकरेजा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शिक्षकों का भी आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सचदेवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये बच्चे ही उज्जवल भारत का भविष्य हैं, जिनको संवारने में सिंधु सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौर ने अहम भूमिका निभा रही है। संस्था शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। संस्था अध्यक्ष प्रकाश लालवानी ने संस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की रूपरेखा वरिष्ठ संचालक जवाहर मंगवानी ने दी। इसके पूर्व अतिथि परिचय संस्था उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता मंगवानी एवं खेमचंद शादीजा ने दिया। अतिथि स्वागत संचालक गण सर्वश्री राजेश बागजई, अनिल फतेह चंदानी, कमल मटाई, अशोक गुलाब चंदानी, लता पुरुस्वानी, गोविंद पठेजा ने किया। समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह राजकुमार हरियाणी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सुनील बाधवानी ने किया एवं आभार आयोजक समिति के अध्यक्ष गोपाल दरियानी ने माना। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान हुआ, छात्रवृत्ति भी दी गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए? सिंधु सहकारी साख संस्था सिंधी समाज की एक बहुत अच्छी कोऑपरेटिव संस्था है। इसमें करीब 3000 सदस्य हैं और सदस्यों को सहकार के माध्यम से सहयोग किया जाता है और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे संस्था के करीब 70 बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया और हमारे सिंधी समाज के जो शिक्षक गण हैं उनका भी यहां पर सम्मान किया गया। और चूंकि कोरोना की गाइडलाइन है, नहीं तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं जिसमें संस्था के सभी सदस्य आमंत्रित रहते हैं, पर चूंकि इस बार ज़्यादा पेंडेमिक का प्रकोप है, इस कारण हमने छोटे पैमाने पे एक कार्यक्रम किया। अध्यक्ष गोपाल दरियानी, सुनील वाधवानी, कमल मटाई, दोनों हमारे उपाध्यक्ष जो है हेमचंद शादीजा, सरिता मंगवानी और सभी संचालकगण और साथ में सिंधी समाज के काफ़ी वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बच्चों को सिंधु सहकारी साख संस्था के सदस्यों के बच्चों को इस बार हमने छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया है। संस्था का यह सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष है, साथ में देश की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पे 75 बच्चों को हमने इस बार है ना अमृत महोत्सव के उपलक्ष में बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की है और समाज के वरिष्ठ शिक्षकों को जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है। संस्था प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करती है। कोविड के कारण थोड़ा कार्यक्रम हमें सीमित स्तर पर करना पड़ा। मैं सभी संचालकों का, मेरे साथी उपाध्यक्ष सरिता मंगवानी, खेमचंद शादीजा, सुनील वाधवानी, कमल मटाई, गोपाल दरियानी और अन्य सभी संचालकों का धन्यवाद देता हूँ उनके सहयोग से ये कार्यक्रम। मेरे नहीं बताया शिक्षकों का सम्मान। हर साल सिंधु सहकारी साख संस्था द्वारा विद्यार्थी सम्मान समारोह किया जाता है। विगत 2 वर्षों से वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और कोरोना काल के कारण जो कमजोर वर्ग के सदस्य हैं तो हमने उनके बच्चों को ये छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया जो पूरे संचालक मंडल द्वारा लिया गया और आज इसके तहत 75 बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दी गई और ये कार्यक्रम उसमें साथ ही शिक्षक दिवस है आज, तो 5 शिक्षकों का सम्मान किया गया और ये कार्यक्रम सभी संचालक द्वारा ये कोरोना काल के कारण जो बच्चों को आज दी गई छात्रवृत्ति, ये कार्यक्रम बन नया है और हमेशा हर साल इसको लागू किया जाएगा। हर साल बच्चों को दिन ब दिन छात्रवृत्ति बढ़ा के दिया जाएगा।